हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी विद सी कुमार में। मैं चंदन कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है बिहार के प्राचीन इतिहास में हर्यक वंश, जिसे मगध साम्राज्य बृहदत्त वंश के बाद दूसरा वंश है, मगध का दूसरा राजवंश। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि बिंबिसार जो भाटिया नामक सामंत का पुत्र था, उसने अपने सैन्य बल और अपने शक्ति के बल पर मगध में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हर्यक वंश कहा गया है। दोस्तों इसी का अध्ययन करेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। दोस्तों बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दोस्तों हर्यक वंश के प्रमुख शासक हुए दोस्तों बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, कहीं कहीं उदयीन को उदयन भी कहा जाता है दोस्तों, और नागदशक। ये चार चार शासक हुए हर्यक वंश के। दोस्तों बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार का पहला आक्रमण दोस्तों अंगराज के प्रति हुआ दोस्तों, जिसमें उसने अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हरा कर तक उस पर शासन करने लगा दोस्तों, और अंगराज की राजधानी चंपा में उसे अपने बेटे अजातशत्रु को सौंप दिया। दोस्तों इस तरह हम देखते हैं दोस्तों, अंग है जो बिंबिसार का पहला आक्रमण का क्षेत्र था दोस्तों, अंगराज की राजधानी दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों, भारत के महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में, जिसमें एक अंगराज भी महत्वपूर्ण था दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया। दोस्तों बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया और इसे अपना राजधानी बनाया था दोस्तों। बिंबिसार के पहले पहले जो आएगा दोस्तों कि हर एक वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो वो हमें बताना पड़ेगा दोस्तों कि हर एक वंश की प्रारंभिक राजधानी बिंबिसार मतलब कि राजगिरी थी दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों, भगवान बुद्ध के समकालीन और हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध प्रमुखता से उभर कर सामने आया। दोस्तों मगध का जो विस्तार हुआ दोस्तों, वो भगवान बुद्ध के समकालीन और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के संबंध बहुत ज़्यादा हुआ दोस्तों। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रामकता और विजय की नीति अपनाई दोस्तों। ये नीति अपनाई दोस्तों किसने? तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रामकता और विजय की नीति। आक्रामकता के अंतर्गत उसने अंगराज को अपने साम्राज्य में मिलाया दोस्तों, आक्रामकता और विजय की नीति के तहत दोस्तों। और एक थी इसका नीति दोस्तों, मतलब कि विवाह संबंध द्वारा भी इसने बहुत से राज्यों को अपने क्या कहते हैं उसको दोस्तों, साम्राज्य में मिलाया दोस्तों। ये बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। हमने बताया दोस्तों, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। इसके तहत उसने कौशल के प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की दोस्तों। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी दोस्तों, महाकौशला इससे शादी की। कौशल की इस दुल्हन के साथ बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला दोस्तों। यहाँ भी देखिए दोस्तों, इतिहास में उल्लेख है दोस्तों कि पहले भी दहेज प्रथा चलता था, लेकिन पहले मांगा नहीं जाता था दोस्तों, स्वेच्छापूर्वक दिया जाता था। तो कौशल के साथ जो बिंबिसार का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला, जिससे 1 लाख का राजस्व प्राप्त होता था और यह राजस्व सिक्के के रूप में एकत्रित किया जाता था दोस्तों। बिंबिसार ने अपनी दूसरी विवाह चिल्लाना से की दोस्तों, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, और
अजातशत्रु का जन्म भी इसी से हुआ था दोस्तों, छिलनाना से दोस्तों। और तीसरी पत्नी मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा थी दोस्तों, मद्र देश जिसे आज हम पंजाब कहते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अवंती था दोस्तों। अवंती की राजधानी उज्जैन था दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि बिंबिसार ने अवंती के राजा चंदा प्रदित्य महासेन से लड़ाई की दोस्तों, लेकिन अंततः में दोनों में समझौता कर लिया दोस्तों, और फिर ये युद्ध नहीं हुआ दोस्तों, दोनों में समझौता हो गया दोस्तों। इसी से बाद में जब अवंती के राजा चंदा प्रद्योत पीलिया रोग से पीड़ित हो गए दोस्तों, तो अवंती के राजा के अनुरोध पर ही बिंबिसार ने शाही वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था दोस्तों, उनके सेवा शुश्रूषा के लिए दोस्तों। और कहा जाता है दोस्तों बिंबिसार गंधार शासक का एक दूत समूह और पत्र भेजा गया दोस्तों, जिसे प्रद्योत लड़ाई में हार गए थे दोस्तों। इस तरह अपनी विजय और कूटनीति के माध्यम से बिंबिसार ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को शक्तिशाली साम्राज्य बनाया दोस्तों। पारस्परिक रूप से ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य में 80,000 गांव थे दोस्तों। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भी महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था दोस्तों। हमने अभी बताया दोस्तों कि ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य में 80,000 गांव थे दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 साल तक शासन किया दोस्तों, 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों। उसके बाद उसका पुत्र आया दोस्तों, उसने भी लंबा शासन किया दोस्तों, 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों। बिंबिसार की का जो पुत्र था दोस्तों, जो वैशाली की वैशाली के जो शादी किया था लिच्छवी राजकुमारी चेल्लाना दोस्तों, उसी का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पुत्र अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी दोस्तों, और खुद मगध की गद्दी पर बैठा। कहीं कहीं आता दोस्तों अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था दोस्तों, अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था दोस्तों। अजातशत्रु ने 2 युद्ध किए दोस्तों, और तीसरे की तैयारी की। कहा जाता है दोस्तों कि अजातशत्रु ने 2 युद्ध किए दोस्तों। अजातशत्रु का 2 युद्ध था दोस्तों, पहला तो काशी और कौशल के विरुद्ध दोस्तों, जो उसका एक तरह से ममहाल भी दोस्तों दोस्तों था नानी का घर। लेकिन अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि उसने संबंधों का कोई सम्मान नहीं किया दोस्तों, इसीलिए उनकी माँ लिच्छवी की राजकुमारी थी दोस्तों, फिर भी उन्होंने युद्ध छेड़ दिया दोस्तों। वैशाली से भी इसी तरह युद्ध छेड़ दिया, और काशी कौशल से भी युद्ध छेड़ कर उसे जीत लिया दोस्तों। तो 2 युद्ध किए दोस्तों, और उसमें जीत भी हासिल की, काशी और कौशल को अपने क्षेत्र में मिलाया बलपूर्वक, और फिर इसे वैशाली को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों अजातशत्रु को वैशाली के युद्ध में करते करते 16 वर्ष का समय बीत गया था दोस्तों। तो अजातशत्रु के जो सुयोग्य मंत्री थे वर्षकार दोस्तों, इसी ने अजातशत्रु को वैशाली युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों वर्षकार है जो शुरू शुरू में वैशाली में एक गुप्तचर बनकर गया था दोस्तों, और इसी ने गुप्त सूचना एकत्रित की, और फिर अजातशत्रु उस पर आक्रमण किया दोस्तों। अजातशत्रु ने कौशल और काशी पर भी अधिकार कर लिया दोस्तों, और इस युद्ध के शांति समझौते के रूप में कौशल नरेश को अजातशत्रु से अपनी बेटी का विवाह और काशी का पूरा अधिकार सौंपने के लिए बाध्य होना पड़ा दोस्तों। अजातशत्रु ने भी लगभग 32 वर्षों तक शासन किया दोस्तों मगध पर, 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक दोस्तों। अजातशत्रु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि बौद्ध धर्म का प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था दोस्तों, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण भी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे अवश्य अपने दिमाग में रखें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप एक बार ज़रूर पीछे पढ़े हुए को रिकॉल करते रहें, इससे आपके दिमाग में हमेशा अच्छी अच्छी बातें जाती रहेगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी,
फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन या जिसे उद्यन कहते हैं उद्यन ने कर दी। इसीलिए इसे सामान्य तौर पर पितृहंता वंश कहा जाता है दोस्तों, मतलब कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है दोस्तों। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गया दोस्तों। उदयन का शासनकाल 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक रहा दोस्तों। अब आते हैं आगे दोस्तों, उदयन ने ही पाटलिग्राम जिसे आज हम पटना कहते हैं इसकी स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछ सकता है दोस्तों कि मगध साम्राज्य का वह प्रथम शासक जिसने पाटलिग्राम या पटना को अपना राजधानी बनाया कौन था? तो पहला शासक था कौन दोस्तों? उदयन या उदयन। उदयन ने ही पहले पहले अपनी मतलब कि राजधानी पटना को बनाया था दोस्तों। इससे पहले बिंबिसार के समय में भी, अजातशत्रु के समय में भी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यहाँ थी, राजगृह थी दोस्तों। पटना की स्थापना कहाँ की थी उदयन ने दोस्तों? तो गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर। उदयन के समय मगध साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक था दोस्तों, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर मगध साम्राज्य का विस्तार किसके समय में था दोस्तों? उदयन के समय में दोस्तों। ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि मगध साम्राज्य का वह सम्राट जिसके समय मगध का सर्वोच्च विस्तार था दोस्तों, तो वह था उदयन। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक की पहाड़ियों तक फैला हुआ था दोस्तों। इसके बाद अनेक राजा आए दोस्तों जिनका पूरा फैलाव हुआ भारतवर्ष में दोस्तों, उनका हम बाद में अध्ययन करेंगे दोस्तों। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों, ये पूछ सकता है दोस्तों कि उदयन कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। बिंबिसार बौद्ध धर्म का, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का, लेकिन उदयन जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था दोस्तों। नागदशक जो उदयन का पुत्र था दोस्तों, तो नागदशक का शासनकाल 444 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक है दोस्तों। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था दोस्तों। नागदशक को उसका अमात्य, अमात्य मतलब दोस्तों मंत्री, मतलब कि पुराने जमाने में मंत्री को अमात्य कहा जाता था, मतलब कि आज होता है जो राजा का पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों, जिसे अमात्य या मंत्री कहा जाता था राजा के दोस्तों। तो नागदशक को उसका अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की दोस्तों, मतलब कि 412 ईस्वी में एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, जिसका अध्ययन हम अगले टॉपिक्स में करेंगे दोस्तों। हमने ऊपर बताया था दोस्तों कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख बिंदु पर। वैशाली की जो हम जानते हैं दोस्तों नगरवधु आम्रपाली के बारे में बहुत चर्चा है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बिंबिसार ने आम्रपाली से वैवाहिक संबंध स्थापित किया दोस्तों, और इसी से जो राजवैद्य जीवक था उसका मतलब कि जन्म हुआ था दोस्तों। आम्रपाली का ही संतान था राजवैद्य जीवक दोस्तों, जो पहले पहले बौद्ध भिक्षु बना और फिर राजवैद्य बना दोस्तों। तो इस तरह से बिंबिसार ने आम्रपाली से शादी की थी दोस्तों, और ऐसा कहा तो ऐसा भी जाता है दोस्तों कि बिंबिसार के मृत्यु के बाद अजातशत्रु का भी उस पर मतलब आम्रपाली पर दिल आ गया था दोस्तों, इसलिए आम्रपाली को जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। और फिर वह बौद्ध भिक्षु बनी, फिर महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। तो इस तरह दोस्तों हमने आम्रपाली के विषय में भी थोड़ा संक्षिप्त जानकारी अर्जित की दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हर्यक वंश का ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये हर तरह से आपके लिए उपयोगी साबित होगा दोस्तों। ये बीपीएससी मेंस और पीटी दोनों में आपके लिए प्रमुख रूप से उपयोगी होगा दोस्तों। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह मन लगा कर पढ़ते रहें दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप एक दिन सफलता को ज़रूर शिखर पर पहुँचेंगे दोस्तों। इसी के साथ चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।